हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जब रॉयल इनफील्ड स्क्रैम्बलर लॉन्च हो चुकी है, उसके बाद जाहिर सी बात है कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में आएगा कि उन्हें स्क्रैम्बलर सेगमेंट में, ऑफ कोर्स वी आर नॉट काउंटिंग डुकाटीज़ है, तो हमें अगर यजदी लेनी चाहिए या फिर रॉयल इनफील्ड की ये लेनी चाहिए। तो फिर इसमें मेरा कहना सिंपल ये है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू गो फॉर यजदी स्क्रैम्बलर। अपने आप में एक बेहतरीन प्रोडक्ट है वो, ठीक है, और पावर फिगर्स भी उसके ज़्यादा बढ़िया हैं। हालांकि फुल टैंक कैपेसिटी थोड़ी कम है, क्यूबिक कैपेसिटी कम है उसकी, 12.5 है रॉयल इनफील्ड की स्क्रैम्बलर में, करीब 15 है उसकी। रॉयल इनफील्ड स्क्रैम्बलर में अगर आपको मिलती है क्या कहते हैं उसे, क्यूबिक कैपेसिटी 411, यहाँ पे 334 सीसी का इंजन है जो आपको जावा पराग वगैरह में देखने को मिलता है। बट एट द एंड ऑफ द डे ओवरऑल लुक्स में बहुत बेहतरीन है, यजदी चलाने में काफ़ी बेहतरीन है और एक कम्प्लीट प्रोडक्ट है। और मुझे शुरू से यजदी की लाइनअप में जब ये लॉन्च हुआ मुझे वही पसंद आया, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है रॉयल एनफील्ड उसे मेकअप कैचअप करने की कोशिश कर रही है उस सेगमेंट में घुसने की, जिसे वो हिमालयन से पूरा नहीं कर पा रहे थे। बट एक तो लुक्स उसकी मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही हैं, और यजदी स्क्रैम्बलर हर तरह से मुझे लगता है आपके लिए बेटर प्रोडक्ट है। सीट हाइट भी उसकी अच्छी है काफ़ी, और बाकी काफ़ी चीज़ें सेम है। प्राइसिंग अगर हम देखें वो भी सेम है काफ़ी हद तक, वेट सेम है। तो आपको जो मज़ा चाहिए, आपको लुक्स चाहिए, आपको पावर चाहिए, तो आप डेफिनेटली यजदी के संग जाएँ स्क्रैम्बलर, आपको बेहतरीन मज़ा आएगा, लुक्स अच्छे हैं। और रॉयल इनफील्ड स्क्रैम्बलर आप देख सकते हैं, अगर आप डाई हार्ड रॉयल इनफील्ड के फ़ैन हैं, और क्योंकि मैंने यजदी स्क्रैम्बलर चलाई है, तो आई डेफिनेटली लव दैट प्रोडक्ट, आपको भी मज़ा आएगा, आप ज़रूर उसे देखें। तो मैं उसे रिकमेंड करता हूँ ओवर रॉयल इनफील्ड स्क्रैम्बलर। और बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।